गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच में आया हूँ मेरीगोल्ड कल्टीवेशन के बारे में दो चार बात करने के लिए। कोई कल्टीवेशन के पहले अब उन्नत प्रजाति का वैरायटी चुनना बहुत जरूरी है। गेंदा में दो वैरायटी बहुत पॉपुलर है, एक है पूसा बासंती गेंदा जो बासंती कलर का होता है, और एक है पूसा नारंगी गेंदा जो नारंगी कलर है। ये दोनों वैरायटी ऑनलाइन पोर्टल में मिलता है, नहीं तो IRI से आप अगर संपर्क करेंगे आपको मिल जाएगा। मेरीगोल्ड कल्टीवेशन के लिए लोमी सॉइल मतलब दोमट जो मिट्टी होता है वो सबसे अच्छा होता है। ये लोमी सॉइल क्या है, जिसमें बालू, केवल मिट्टी और सिल्ट जो नदी के किनारे में बाढ़ में जमा होता है, इस तीनों का समान परिमाण मिश्रण रहता है। दूसरा बात है, इसके लिए आइडियल सॉइल अम्लता जो होता है 7 से 7.5 तक होता है, और सेलाइन एसिडिक सॉइल में मेरीगोल्ड सूटेबल नहीं है। मिट्टी सिलेक्ट करने के बाद हम सीड सोइंग करते हैं। सीड नर्सरी में सोइंग करते हैं, जो साल भर किसी भी सीजन में हम इसको नर्सरी बना सकते हैं। नर्सरी बनाने के लिए हमको 1.5 kg सीड्स हेक्टर प्रति चाहिए। नर्सरी हम मिट्टी में बना सकते हैं, नहीं तो पॉटे प्लग में बना सकते हैं। पॉटे प्लग के लिए वर्मीकुलाइट, पर्लाइट, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर बना के उसमें सीड सोइंग करते हैं। इसका फायदा होता है पौधा बहुत अच्छा हेल्दी होता है, इजी टू ट्रांसप्लांटेबल होता है। जब पौधा का उम्र 4 सप्ताह अर्थात 1 माह होता है तब हम इसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। प्लांट रोपने का जो स्पेसिंग होता है वो है 45x35 cm। हेल्दी नर्सरी पौधा के लिए सीड ट्रीटमेंट जरूरी है। ब्रायो प्रोमोटर एजोस्पाइरिलम आप सीड के साथ मिला सकते हैं। इसमें आपको 50 ml राइस का जो मार होता है उसमें 200 ग्राम एजोस्पाइरिलम पाउडर मिलाइए और 1.5 kg सीड के साथ मिक्स करके आप सोइंग करिए। सीड ट्रीटमेंट से नर्सरी में होने वाला बीमारी कम होगा, प्लांट हेल्दी होगा। जमीन सिलेक्ट होने के बाद तुरंत 25 टन FYM हेक्टर प्रति डाल देना चाहिए। उसके साथ साथ 45, 90 और 75 kg NPK हेक्टर प्रति बेसल एप्लीकेशन करना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद पानी देना आवश्यक है और 3 दिन बाद दोबारा पानी देने का आवश्यक है, क्योंकि दोबारा आप पानी देंगे तो जो अननेसेसरी मोर्टालिटी होता है, पौधा मर जाते हैं, वो बच जाएगा। इन जनरल हफ्ता में 1 बार पानी देना जरूरी है, लेकिन अगर ड्राई स्पेल प्रिवेल करे मतलब गर्मी हो सूखा पड़े तब हफ्ता में 2 बार भी पानी दे सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा पानी ना देना है जो जड़ में पानी जम जाए, क्योंकि एक्सेस अगर पानी जड़ में जम जाएगा वो पौधा के लिए हानिकारक होगा, पौधा मर सकते हैं। शुरुआती दौर में बहुत सारा पौधा में वीड्स आएगा, वो समय से हिसाब से मैनुअल वीडिंग करना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन मेरीगोल्ड में करना चाहिए जिसको नीपिंग और टिपिंग करना होता है। इसमें क्या होता है, जो टर्मिनल पोर्शन है बाड का, जो आपको कूड़ी आता है एकदम ऊपर में, उसको तोड़ देना चाहिए। उससे क्या होता है, और भी नया ब्रांच आएगा और भी ज्यादा फूल खिलेगा। मेरीगोल्ड में सबसे खतरनाक जो इंसेक्ट है वो है मिलीबग। ये आपको पौधा के शूट्स में लगता है, ये पौधा में फूल में लगता है, और ये मिलीबग एक हनी के जैसे एक सीक्रेट करते हैं जिसमें सूटी मोल्ड का ग्रोथ होता है, तो ओवरऑल प्लांट को पूरा दबा देते हैं। इससे बचने के लिए प्रोफेनोफॉस और डाइमिथोइड ये दोनों इंसेक्टिसाइड्स है जो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करिए, नहीं तो आप फिश ऑयल रोजिन सोप जो होता है
उसको 25 ग्राम प्रति लीटर भी इसमें स्प्रे करिए, इसमें आपको कीड़ा से आपको राहत मिल जाएगा। मेरीगोल्ड में और एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है थ्रिप्स, जो पौधा को बुरी तरह से डैमेज करते हैं। इससे बचने के लिए येलो स्टिकी ट्रैप एकर प्रति 20 लगाइए और साथ साथ थ्रिप्रोनिल नहीं तो स्पीरियोमेसिफेन, ये दोनों केमिकल आप अप्लाई करिए, इससे आपको राहत मिलेगा। और दो इंपॉर्टेंट डिजीज होता है, एक है लीफ स्पॉट और एक है रूट रॉट। दोनों ही वेबिस्टिन से कंट्रोल होता है। लीफ स्पॉट के इस केस में आप पौधा को पूरा स्प्रे करके भिगाइए और रूट रॉट के केस में जड़ में ये पेस्टिसाइड को डालिए। और एक इंपॉर्टेंट माइट्स है जिसको नाम है रेड माइट, और एक कैल्थेन बोल के जो एक केमिकल है, नहीं तो एक ओमाइट बोल के केमिकल आता है, उससे स्प्रे करने से आप इससे राहत मिलेगा। जनरली क्रॉप 130 से 150 दिन के अंदर तैयार हो जाता है और फ्लावर पिकिंग होता है 60 दिन के बाद। हर 3 दिन छोड़ के आप फ्लावर पिकिंग कर सकते हैं। आप अच्छा से इसको परिचर्या करेंगे तो आपको यील्ड आएगा 18 टन प्रति हेक्टर। किसान भाइयों और मेरा स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।